हाय गाइस, आई एम यूस्ट्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू कैन सी, आई डोंट नो अगर आपको समझ आ रहा है कि नहीं, पर आई एम इन कराची राइट नाउ। आई केम फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू पाकिस्तान, मेनली बिकॉज ऑफ सम फैमिली सिचुएशन। बट व्हाइल आई वाज हियर, बिकॉज इफ यू गाइस हैव सीन माय इंस्टाग्राम, यू गाइस वुड नो दैट आई वाज रियली रियली ऑब्सेस्ड विद दैट रेड फिल्टर ऑफ इंस्टाग्राम। सो आई रियली वांटेड टू टर्न माई हेयर रेड। तो मेरा यही इरादा है कि मैं आज अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, एंड जस्ट लाइक एवरी टाइम आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट फॉर यू, आई वॉन्ट टू शो यू गाइज कि मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है। अगर आप लोग को देख के मैं थोड़ी टैन लग रही हूँ, तो मैं टैन हो गई हूँ, बट आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग द कलर आई हैव नाउ, लाइक द स्किन कलर, क्योंकि वहाँ पर धूप बड़ी तेज़ होती है। But apart from that, I'm going to MQ Salon and Ashi is going to be doing my hair. पिछली बार भी जो आपने मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड नवंबर टाइम देखी थी, वो भी Ashi ने की थी। So generally I'm in the car, that's why it's like, but generally I'm very excited to get my hair done and very excited to you know, show you guys the final outcome. Or inshallah it should be good. If it's not good, I'm kind of screwed. इसलिए कि जो है, मैं जब सिडनी पहुंचूंगी उसके 2-3 घंटे बाद मुझे अपने ऑफिस के एक इवेंट पर जाना है, एंड इफ़ माय हेयर डजंट लुक गुड, इट्स गोना लुक बैड एट द इवेंट। आई विल बी कवरिंग दैट इवेंट फॉर यू गाइस एज वेल। व्हाई आई वांटेड टू आल्सो स्टार्ट ब्लॉगिंग अगेन, आई वाजंट ब्लॉगिंग बिकॉज ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट आई हैव बीन गोइंग थ्रू इन माय फैमिली। आई विल फाइंड द स्ट्रेंथ टू डिस्कस इट व्हेन आई कैन। और मैं ये आई वॉन्ट टू टेक द टाइम टू सिंक थिंग्स इन एंड लाइक थिंक अबाउट एवरी थिंग जो, एंड लाइक जस्ट रिफ्लेक्ट। और मुझसे ऑनेस्टली वहाँ पे बैठ कर इन सर्कमस्टांसिस में ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही थी खुद भी, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल आई कुडंट। बट द अमाउंट ऑफ लव दैट आई रिसीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज जस्ट फिनोमिनल, बिकॉज I never used to think that I would have people coming up to me and saying, "Hum aapke vlogs dekhte hain, hum aapke vlogs dekhte hain." You won't believe, I was in Colombo Airport. Main Karachi aa rahi thi, usse barely kisi ko pata tha, yahan tak Mirza ko bhi nahi pata tha ki main I'm traveling. Maine usko surprise karna tha. I met people over there who were like, "We watch your YouTube channel and we watch your vlogs." And they were on the Sydney to Colombo flight with me. मैं लाहौर जा रही थी टू मीट मिर्ज़ा, बिकॉज नाउ ही इज़ लिविंग इन लाहौर। उस फ्लाइट पर मुझे एयर होस्टेसेस, पीपल आई मेट, एंड दे वर लाइक, वी वॉच योर व्लॉग्स, एंड लाइक यू गाइज गेव मी सो मच इंस्पिरेशन अगेन, एंड यू गाइज गेव मी अ मीनिंग टू मेक व्लॉग्स एंड मेक यूट्यूब अगेन। आई कॉन्ट प्रॉमिस हाउ रेगुलर आई वुड बी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी रेगुलर इंशाल्लाह। And yeah, I'm excited for this journey. I'm excited to show you guys my hair. Meri length achhi khasi ho gayi hai. Length main koshish karungi ki nahi itni chhidwaun ya nahi itni hilwaun. Ya to main haircut lungi, ya fir agar wo kahe ki aapke dead ends itne nahi hai pure, and you can make do without a haircut, to shayad main haircut bhi minus kar dun. But with the haircut as well, agar main le lun to I want some bangs over here. And जिस तरह का मैंने लास्ट टाइम हेयर कट कराया था ना, समथिंग सिमिलर, समथिंग लाइक वॉल्यूमिनस बैंग, समथिंग दैट आई कैन कीप अप विद इन सिडनी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि पानी की क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं है आपके, मतलब यहाँ पे भी नहीं है, कि वहाँ पे इससे ज़्यादा ख़राब है, आपके बाल बहुत गिरते हैं। सो यप, आई एम एक्साइटेड टू शो यू गाइज व्हाट माय हेयर लुक लाइक एंड टेक यू ऑन दिस जर्नी विद मी। सो यहाँ पे बैठ के मुझे बस आपको अपने बालों को दिखाना था कि मेरी लेंथ कितनी हो गई है। नीचे से थोड़े से, मतलब यू नो, वो जो नोक नोक वाले बाल होते हैं, डैमेज्ड एंड्स थोड़े से हैं, बट उसके अलावा माय हेयर वाज अल्हम्दुलिल्लाह प्रिटी ओके, टेक्सचर एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं हर वक्त हेयर मास्क वगैरह लगाती हूँ।
ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम हियर एट इनफ्यू सलोन एंड आई एम विद आशी. आशी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक. लॉन्ग टाइम. और ये कलर बहुत अच्छा चला है आपका. बिल्कुल. ये जो कलर मैंने करवाया हुआ, आपको पता है, ये भी आशी ने ही किया था और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चल सकता है. बिल्कुल, लाइफ है भी बहुत अच्छा चल रहा है वाकई. और मैं तो देख के हैरान हो गई. मैंने कहा शायद आपने फ्रेश करवाया अगर कुछ. कुछ भी नहीं, वाकई आशी का कलर था. और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में इतनी धूप होती है कि वो ब्रासी हो जाते हैं कलर्स. मैंने सिर्फ उसको हर हफ्ते में एक बार ब्लू शैम्पू किया बस. और कुछ भी नहीं किया है और मेरे ना बाल इतने डैमेज हुए. आपको सॉफ्ट अभी और बाल भी माशाल्लाह लंबे हुए हैं. है ना, लंबे भी हुए हैं वाकई. आशी ने मुझे पहले ही कहा था मुझसे हेयर कट कराते हैं तो उनके बाल लंबे हो जाते हैं. तो थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है. आप एक साल बाद वापस आई मेरे पास. नहीं, मुझे नहीं लगता मैं किसी और के पास कभी भी बाल करवाने आप जाऊंगी. एक ट्रस्ट जब डेवलप हो जाता है ना, बिल्कुल, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आशी ने भी अपना चैनल स्टार्ट कर लिया. आशी ब्लॉग्स बनाती हैं. आशी का जो चैनल है वो आशी दाऊद के नाम से है. आशी तो आप इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे कहाँ पर हैं? इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी. तो हर जगह. हर जगह बिल्कुल. और आज आप मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे चैनल पे तो देखेंगे, आशी के चैनल पे भी देखेंगे. और पीछे आप देख सकते हैं रेड आशी ने जो है वो कर दिया कलर. मैंने बना लिया है क्योंकि मुझे ना इस बार चाहिए था मर्मेड हेयर, बिल्कुल रेड मेरे बालों. सब मुझे कहते हैं रेड का तुम्हें क्या शौक है, लेकिन बस मुझे था कि नहीं रेड चाहिए मुझे बाल. तो और सबसे अच्छी बात है कि कट डाउन के बगैर हो गई. बिल्कुल. तो हम प्रोसीजर शुरू करते हैं आपका. मैं कलर लगाना स्टार्ट करती हूँ. तो और ये कितना टोटल टाइम लगता है इस प्रोसीजर? 1 घंटा. हाँ, क्योंकि कट डाउन नहीं होता जी. कट तो बस आपका 1.5-2 घंटे मेरे साथ है. तो हम 1.5-2 घंटा साथ है. बिल्कुल. हाँ, तो बिल्कुल. और आशी, आप काफी सारी आप हेयर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह दिखाती होंगी ना अपने? मेरे कलर वगैरह भी आपकी फ्रेंड का भी कटती है, वो भी मैंने दिखाया. मेरे कलर भी मतलब मैं लगाती रहती हूँ, वैसे ज्यादा नहीं लगाती लेकिन कम लगाती हूँ. लेकिन जो लगाती हूँ अच्छा लगाती हूँ. कोशिश करती हूँ. सैरिश का कट किया था, वो भी लगाया था. तो मैं ज्यादा चीजें नहीं दिखाती. मतलब मैं होम का भी बनाती हूँ अपना सारा, घर का और बच्चों का, ये सब चीज़ें. तो बस ये चीज़ें ज़्यादा मैं खाना जो बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ. तो ये और आपको पता है सबसे ज़रूरी है कि आप ये अवेयरनेस करें कि हेयर कलर तो सब करवा लेते हैं, उसके बाद केयर कैसे करनी है. मैं बता चुकी हूँ बालों की केयर का. ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं उसका. वो भी होता है जब वो ड्राई डैमेज होता है, फिर वो छोटे छोटे जो ब्रेकेज होना शुरू हो जाते हैं, सबसे बुरा वो लगता है. बुरा लगता है. तो उनके लिए भी आगे चल के मैं सारी ट्रीटमेंट आपसे शेयर करूंगी और कैसे आप घर बैठे होम केयर कर सकते हैं ये भी सारा आपसे शेयर करूंगी. तो इसके लिए मेरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा आपको. बिल्कुल बिल्कुल. और जरूर आप लोग फॉलो करें क्योंकि हेयर कलर करवाना आसान चीज होती है, लेकिन उस कलर की वाइब्रेंसी, उस कलर की जो लॉन्ग लास्टिंग, उसको बनाने के लिए मेंटेनेंस बहुत जरूरी है. अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो फिर आपके बाल जले जले डैमेज से लगेंगे. नहीं आ रही है, सब नजर आ रहे हैं. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. और आज हमारे साथ है आप मेकअप आर्टिस्ट हैं? मैं जो यूट्यूब पे मेकअप करती हूँ. चलिए, हमारे साथ यूट्यूबर मेकअप आर्टिस्ट हैं क्योंकि आज जो है वो हमारे साथ बहुत लॉन्ग टाइम रहेंगे. तो मेरी मम्मा इनका हेयर कलर करेंगी और मैं इनका वॉश करूंगी. आज मुझे मजा आ रहा है ब्लॉग बनाने. पिछली बार तो मैं ही बोल रही थी, आज हम लोग भी ब्लॉगर बन गए. तो सैरिश इस तरफ आप. तो ये देखिए, ये फायदा होता है माँ बेटी के काम करने का कि माँ जो है ना वो कह सकती है ये करो ये करो ऐसे करो ऐसे करो. और अगर आपको मेरे नेल्स नजर आ रहे हैं या आपको अगर किसी वीडियो में नजर आए, मैंने अपने नेल्स भी यहाँ से कराए थे एनक्यू से. तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो जरूर इनकी सारी सर्विस अवेलेबल है. नेल्स भी बहुत अच्छे हैं वाकई. वाकई में मैंने नेल्स करवाए हैं, पेडिक्योर करवाया हुआ है, हेयर और हेयर कट करवाया हुआ है, ये सब तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है. तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी. और बाल काफी ड्राई हो रहे तो इनकी केयर भी करें. कलर जब होगा तो केयर जरूर आप. अच्छा, ड्राई इसी भी हो रहे हैं, मैंने भर के हेयर स्प्रे लगाया बालों के अंदर कल रात को, क्योंकि ये जो कर्ल्स थे ना वो ठहर नहीं रहते वैसे, वरना बहुत अच्छे खुद से किए. हाँ, खुद ही करे स्ट्रेटनर से. थोड़ी थोड़ी हेयर स्टाइलिंग हमें भी आ गई अकेले रह रहे के.
क्योंकि यहाँ तो देखें आपके पास ये होता है कि आप किसी भी सलोन चले गए, आपने ब्लो आउट करवा लिया, हाँ, कर लिया, वहाँ पे ये लग्जरीज वहाँ नहीं होती है। तो चले ये प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया है, डाई मेरा लगना शुरू हो गया है और अब हम जो है आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं आपके साथ शेयर करते जाएंगे और आप हमारी वीडियो में भी होंगी। यही मैंने कहा ऑलरेडी कट डाउन होता है क्या? नहीं, ये कलर ही जो होता है, मतलब ये कलर खुद से लाइट कलर है। तो ये लिफ्टिंग, अस्सलाम वालेकुम, सर टेप लगाओ, ये ख़राब होगी इनकी है, हाँ रेड कर रहे हैं। तो ये भी हमारी ब्लॉगर है, आप आ सकते देसी गर्ल, क्या देसी सिस्टर, हाँ तो इनका भी आप जी। तो देखिए हम इनका अभी मैं लगा रही हूँ कलर और देखिए कितना खूबसूरत कलर आना शुरू हो गया है। तो ये कलर बहुत हसीन होगा, इनका वॉलेट कलर होगा। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, ये तो जब वॉश होगा तो तब आप देखिएगा, आप शॉक रह जाएंगे कि हमारी इस वक्त कितना खूबसूरत कलर हुआ है। नहीं, और उसके अलावा भी मुझे लगता है कि रेड से थोड़ी वॉल्यूम भी आती है आपके बालों में, थोड़ी थिकनेस भी आती है बालों में, तो जिनके थिन बाल हैं वो भी इस तरह के कलर्स करवा सकते हैं। बिल्कुल, और आजकल तो रेड कलर फैशन में है कि लोग बहुत शौक से एरियल लगना है मैंने वो लिटिल मर्मेड वाली। और ये बहुत अच्छा आने वाला है इंशाल्लाह। और जब कट होगा तो फिर टोटली चेंज हम दिखाएंगे। बिल्कुल, और आप ये देख सकते हैं कि आशी ने काफ़ी थिक लेयर लगाई है, ये भी बड़ा मैटर करता है जो आशी मसाज कर रही है जिस तरीके से, और जो सेक्शंस में लगाना है, मतलब हर चीज़ मैटर करती है। तो हमेशा एक एक्सपीरियंस कलरिस्ट के पास आएँ, क्योंकि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अगर आप खुद घर में बॉक्स डाई तो करें ही नहीं वैसे, तो बॉक्स डाई से तो फिर कलर नहीं चलता। हम खुद लगाते हैं ना तो डायरेक्ट रूट्स जो है ना वो एकदम ऑरेंज हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। तो कभी भी आप फ़ौरन से रूट्स पर ना अप्लाई करें और कलर एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो ही आपको चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी। तो ये चीज़ें बहुत कलर में बहुत चीज़ें ये मैटर करती हैं वाकई, और बाल भी कम तभी डैमेज होंगे जब आप एक एक्सपर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि बॉक्स डाई आप करवा लेंगे फिर उसके बाद अगर आपका कलर एक्सपर्ट भी जो है ना वो उस पर कलर उस तरह नहीं चढ़ा सकेगा बॉक्स डाई वाले कलर से, बहुत मुश्किल। तो ये अब कितनी देर मेरे बालों में लगेगा? अब हम 35 मिनट बाद 40 मिनट्स बाद देखते हैं, चेक पे देखते हैं क्या होता है। आई थिंक तब तक मैं पेडिक्योर अपना स्टार्ट करवा लूँगी। हाँ, अगर यहाँ पे करवाना है तो यहाँ पे करवा लो, कौन सुनाना करती है या कोई भी तो अच्छा सा करते हैं, फिर स्टाइलिश को दे दूँ। ओके, सो नाउ इट वाज टाइम टू वॉश द हेयर, एंड मुझे तो ये बन भी जो टेढ़ा मेढ़ा सब बना हुआ ना ये भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था एट दैट टाइम, एंड आई वाज सो एक्साइटेड फॉर माय हेयर कि बस जल्दी से ये कलर डाई सब कुछ हो जाए और फिर मैं देखूँगी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। शेड्स ऑफ रेड एंड वायलेट एंड पिंक आ रहे थे, एंड आई डोंट नो व्हाई आई डिसाइडेड टू गो सो क्रेजी विद द हेयर कलर, बट आई एब्सोल्युटली लव इट। मिर्ज़ा की जहाँ तक बात है उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, उसने कहा आइंदा ये कलर कभी नहीं करवाना, आई डोंट केयर, मिर्ज़ा यहाँ पर है नहीं और लगता है कि पता नहीं कब आएगा, तो इट्स ओके, आई कैन एन्जॉय दीज कलर्स ऑन माई ओन। इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी कि मैं मेंटेन कैसे कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो देखें हेयर वॉश हो रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या कलर आता है, और आशी आपको दिखा भी रही है कि कितना पिंक्स और रेड्स में कलर। एंड एज यू कैन सी अब हेयर कट हो रहा है और आशी कितने छोटे छोटे सेक्शंस में हेयर कट कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप माई लेंथ। उसके अलावा आप डिफरेंट शेड्स देख सकते हैं, मेरे बाल नीचे से लाइटर हैं जहाँ पे पहले ऑलरेडी कट डाउन था और ऊपर से डार्कर हैं, सो देयर शेड्स ऑफ वायलेट एंड रेड एंड ब्लैक एवरीथिंग मिक्सड अप टुगेदर। और यहाँ पे मैं आपको हेयर कट का प्रोसेस भी दिखा रही थी कि वो कितने केयरफुली हेयर कट कर रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो स्टाइलिस्ट जो बहुत सारे बड़े बड़े चंक्स आपके बालों के काट देते हैं, क्योंकि मेरी लेंथ बहुत मुश्किल से मेंटेन होती है, तो छोटे छोटे स्प्लिट एंड्स ही उन्होंने काटे थे। दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट आशीज़ हेयर कट, और वाकई में माशाल्लाह से हर हैंड्स हैव मैजिक के बिल्कुल मेरे बाल डैमेज नहीं होते हैं, और फिर ख्याल भी रखना पड़ता है। उसके बाद ब्लो ड्राइंग प्रोसेस एज़ यूजुअल हुआ और मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने बालों को देखने के लिए, और इन बालों का ख्याल रखना यही है कि आप बहुत ज़्यादा इनको वॉश ना करें और अननेसेसरीली वॉश ना करें, और ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं।
तो आई वॉज़ एक्साइटेड कि जल्दी से मेरे बाल वॉश हों एंड देन आफ्टर दैट मैं आप लोगों को जो है वो फाइनल अपने बालों का रिज़ल्ट दिखा सकूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आशी जो हैं वो बालों में कर्ल्स डाल रही हैं और वो थोड़ा ऊपर से डाल रही हैं ताकि वॉल्यूम ज़्यादा लगे, विच इज़ अ गुड टेक्निक। मैं आप लोगों को स्ट्रेटनर से कर्ल्स करना सिखाऊंगी, मैंने भी रिसेंटली सीखा है एंड इट्स लाइफ चेंजिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आप लोगों को दिखाने सिखाने के लिए। और हाथों पे उनके स्टेनिंग हो रही है थोड़ी सी, विच इज़ नॉर्मल फॉर रेड, मेरे भी हाथों पे हो जाती है अभी तक हेयर वॉश करते हुए एंड ऑल, काफ़ी कलर निकलता है बट दैट्स नॉर्मल। और इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रेड डिपॉजिटिंग शैम्पू वगैरह आते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरे शैम्पूज अराइव हो जाएंगे, यूज़ कैसे करना है, क्या कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। बट या सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट, दैट्स द हेयर। मुझे बहुत 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 अच्छे लगे थे, स्पेसिफिकली इस तरह कर्ल्स में रख के तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच आशी फॉर दिस हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आई एम वेरी 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 हैप्पी विद माई हेयर, स्ट्रेट एंड कर्ल दोनों तरीके से बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेयर कलर कंप्लीट हो गया है विदाउट कट डाउन, इतना वाइब्रेंट आया। थैंक यू सो मच आशी, मैंने इतना तो इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना वाइब्रेंट आएगा। लेकिन आप पे सूट भी बहुत कर रहा है और मेरी मेहनत रंग लाई, आप हैप्पी हैं, मैं भी खुश हूँ क्योंकि आप खुश हो क्योंकि आप इतनी दूर से आप इतनी दूर से सिर्फ मुझसे कलर करवाने आई, तो थैंक यू आपने मुझे याद रखा। नहीं और आप, मैं तो आपको बता रही हूँ जितने मेरे कलर्स होने आपने ही करने, मैं इसीलिए ये होता है कि जब आप एक कलरिस्ट के साथ रहते हैं वो आपको डिलीवर करे ना जो चीज़, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और आप लोग भी आशी के पास आएँ, एम क्यू सलोन आएँ और उनका नाम लेके कहें कि उनसे कलर करवाना है, अगर ये कलर करवाना है तो वो पिक्चर ले लें, मेरा प्रीवियस कलर करवाना है तो वो पिक्चर ले लें, वरना उनका इंस्टाग्राम मैं यहाँ पे कहीं पे लगा दूंगी। उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें, यूट्यूब पे भी काफ़ी चीज़ें, और सैरिश भी हैं, सैरिश का भी पूछें और सैरिश भी बहुत अच्छी सी सर्विसेज आपको देंगे, तो यहाँ पर ज़रूर एम क्यूज आइएगा। एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। और तीसरी हमारी सुनैना, सुनैना है ज़रूर, सुनैना से भी सारी सर्विसेज कराया, यकीनन आप लोग सैटिस्फाइड रहेंगे इन तीनों के। और सुनैना का भी चैनल है देसी गर्ल्स के नाम से, देसी सिस्टर के नाम। हाँ, सुनैना का चैनल भी मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगी, इन तीनों को फॉलो करें और मेकअप आर्टिस्ट गाइस, और हमारी तरफ से अब अल्लाह हाफिज़।